बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर क्लास, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम अपना डिस्कस करेंगे एसे नंबर 5 एंटाइटल्ड नागासाकी एंड रिटन बाय माइकेटो इश्माइर। जो टाइटल है एसे का नागासाकी, इट मींस द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी which faced atomic bombing on August 9, 1945 during the Second World War. के सेकेंड वर्ल्ड वार में 9 अगस्त 1945 को ये जो जैपनीज सिटी था नागासाकी, इस पर एटमी बमबारी हुई थी। तो टाइटल जो है वो इस चीज़ को शो करता है। लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। इस ऐसे में राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि जब अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा पर जो पहला एटम बम कब गिराया था, जिससे शहर का तकरीबन, ये हिरोशिमा पर उसने फर्स्ट अटैक किया था 6 अगस्त 1945 को, और जिससे तकरीबन शहर का जो 3 square miles ऑफ द सिटी था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, और इससे 160,000 लोगों की जो जिंदगियां थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद जब जापान ने अमेरिका के आगे हथियार ना डाले, तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर दूसरा एटम बम गिराया, और वो नागासाकी पर गिराया था। जो सदर था हैरी एस ट्रूमन, उसने वार्न किया कि अगर जो जापान है उसने हथियार नहीं डाले तो इस तरह के जो एटम बम्स हैं ये मुसलसल गिराए जाएंगे। इस तरह से दूसरी जो जंग अजीम के एंड पर जो 6 साल 1939 से 1945 तक जारी रही, कि दिस इज़ द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 to 1945 तक, जो जैपनीज थे उन्होंने 2 सितंबर 1945 को अमेरिका के सामने एक हथियार डाल दिए और एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए। अब ये हमारे जो ऐसे हमने डिस्कस करना है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था आप लोगों को मैंने बताया कि क्या हुआ उस टाइम, कि जो हमारे पास जो ऐसे है नागासाकी, इस ये क्या करते हैं, इट गिव्स अस द डिटेल्स ऑफ द हॉरिबल रिजल्ट्स ऑफ द एटॉमिक अटैक ऑन नागासाकी, डेट इज़ लार्ज स्केल डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि वो रिज़ल्ट क्या था उसका, डेथ थी और डिस्ट्रक्शन बहुत बड़े पैमाने पर। ओके जी, लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग ऑफ दिस एसे। जो राइटर था वो असल में उस वक्त क्या था, मेडिकल कॉलेज में वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। स्टार्ट करते हैं हम ऐसे की रीडिंग। इन अगस्त 1945 आई वॉज अ फ्रेश मैन एट नागासाकी मेडिकल कॉलेज। फ्रेश मैन मीन स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। के कहते कि उस वक्त मैं नागासाकी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। The 9th of August was a clear, hot, beautiful summer day. के जो दिन था बहुत ही खूबसूरत दिन था। I left my lodging mean residence, कहते हैं कि मैं अपने घर से निकला, which was 1.5 miles from the hypocenter, जो कि hypocenter से इतने फासले पर थी 1.5 mile, at 8 in the morning, सुबह 8 बजे, as usual to catch a tram car, कहते हैं कार गाड़ी पकड़ने के लिए। When I got to a tram stop, जब मैं गाड़ी के स्टॉप पर पहुंचा, I found that it had been derailed in an accident, कि किसी हादसे की वजह से गाड़ी लेट है। I decided to return home, कहते मैं घर वापस आ गया। I was lucky, कहते मैं खुशकिस्मत था। I never made it to school that day, कि उस दिन मैं स्कूल नहीं गया। At 11 AM, I was sitting in my room with a fellow student when I heard the sound of B-29 passing overhead. कहते कि 9 बजे के करीब मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था कि अचानक से हमने B-29 की आवाज़ सुनी। अ फ्यू मिनट्स लेटर द एयर फ्लैश्ड अ ब्रिलियंट येलो एंड थ्री देयर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट ऑफ विंड, कि एकदम से हवा में बहुत बड़ा धमाका हुआ। वी वर टेरिफाइड एंड रेन डाउनस्टेयर्स टू द टॉयलेट टू हाइड, कहते हम डर गए और हम टॉयलेट की तरफ भागे छुपने के लिए। लेटर व्हेन आई केम टू माई सेंस, कहते जब मुझे थोड़ी होश आई, आई नोटिस्ड अ होल हैड बीन ब्लोन इन द रूफ, उसने देखा कि छत में एक सुराख हो गया है। ऑल द ग्लास हैड बीन शैटर्ड, शैटर्ड मीन स्प्रेड, टूट जाना, बिखर जाना, कि सारे शीशे जो बिखर चुके थे। एंड द ग्लास हैड कट माई शोल्डर, कहते एक शीशा मेरे कंधे पर भी लगा।
एंड आई वॉज ब्लीडिंग, और वहाँ से खून निकलना शुरू हुआ। आई वेन आई वेंट आउट साइड द स्काई हैड टर्न फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक। इतना अच्छा कहते हैं, जब मैं बाहर निकला तो आसमान जो ब्लू होता था ब्लैक हो चुका था, एंड द ब्लैक रेन स्टार्टेड टू फॉल, और बारिश ऐसे लग रहा था ब्लैक कलर की हो रही है। द स्टोन वॉल्स बिटवीन द हाउसेज वर रिड्यूस टू रबल। रिड्यूस टू रबल मीन्स कि वो खाक में बदल चुकी हुई थी। जो स्टोन वॉल्स थी, पत्थर की दीवारें, ईंट और सीमेंट की जो बनी हुई दीवारें थी, वो टूट चुकी हुई थी। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के बाद, आई ट्राई टू गो टू माई मेडिकल स्कूल इन जुराकैमी। जुराकैमी इज़ द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे वो मेडिकल स्कूल था। कहते हैं मैंने वहाँ जाने की कोशिश की, इट वॉज 500 meters फ्रॉम हाइपोसेंटर, जो कि उसके सेंटर से इतने फासले पर था। द एयर डोज ऑफ रेडिएशन वॉज मोर देन 7000 rays। रेडिएशन मीन द सेंडिंग आउट ऑफ एनर्जी हीट इन रेज। कहते हैं एक्स रेज के जो रेज थी वो 7000 जो था उनकी वो स्पीड, ज़्यादा स्पीड थी। ओके जी, फर्स्ट फोर्थ ईयर, ये हमने फर्स्ट पेज इसका रीड किया है। तो फर्स्ट पेज में हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ज़रा इनको दोबारा से ब्रीफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, कि राइटर बता रहे हैं कि ही वॉज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट नागासाकी मेडिकल कॉलेज, एंड ही वेंट टू अ ट्रैम स्टॉप टू कैच अ ट्रैम कार, बट लकीली जो उस दिन उसकी जो ट्रैम कार थी वो डिरेल्ड इन एन एक्सीडेंट, एंड ही रिटर्न्ड होम। ओके जी, एंड एट 11 o'clock व्हेन वो कहाँ पर था, ही वॉज एट हिज होम व्हेन ही हेड अ B-29 पासिंग ओवरहेड। उसके पास उसका एक दोस्त भी था। कहते कि द राइटर एंड हिज फ्रेंड रेन डाउन स्टेयर टू द टॉयलेट टू हाइड एंड ही लॉस्ट हिज सेंसेस। कहते उसके सेंसेस ख़त्म हो गए। जैसे वो उधर सेंसेस में वापस आए तो क्या उन्होंने देखा कि द स्काई हैड चेंज फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक। दिस इज द डिस्ट्रक्शन कास्ड बाय एटॉमिक बॉम्ब। जो ब्लैक रेन थी बिगेन टू फॉल, और जो वॉल्स की, जो हाउसेस की वॉल्स थी, वर नो रबल। रबल मीन गिर चुकी हुई थी, अब मलबे में तब्दील हो चुकी हुई थी। फोर्थ ईयर, ये डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन जो आगे पढ़ेंगे वो इससे पेनफुल है कि जो एटॉमिक अटैक था वो इतना पेनफुल था। ओके जी, नो मूव टू योर नेक्स्ट पेज। आई कुड नॉट कम्प्लीट माई जर्नी बिकॉज देर वर फायर्स एवरीवेयर। कहते मैं अपना, जब वो उसने डिसाइड किया कि वह स्कूल अपने वापस जाएगा कॉलेज, कहते मैं अपना जर्नी कम्प्लीट नहीं कर सका। देर वर फायर्स एवरीवेयर, हर जगह पर आग लगी हुई थी। आई मेट मैनी पीपल कमिंग बैक फ्रॉम जुराकैमी। कहते मैंने देखा बहुत सारे लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। देयर क्लॉथ्स वर इन रैग्स, रैग्स में फटे हुए कपड़े थे उनके, एंड शेड्स ऑफ स्किन हंग फ्रॉम देयर बॉडीज। और उनकी जो बॉडी थी उसके ऊपर से जो स्किन थी उस लटक रही थी। जस्ट इमेजिन बच्चों के उनकी बॉडी बर्न हो चुकी थी और उनके ऊपर से जो उनकी स्किन थी वो लटक रही थी। दे लुक लाइक गोस्ट विद वेकेंट स्टेयर्स। कहते कि विद ओपन आईज दे लुक लाइक गोस्ट। द नेक्स्ट डे आई वॉज एबल टू, आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना, देयर क्लॉथ्स वर इन रैग्स एंड श्रेड्स ऑफ स्किन हंग फ्रॉम देयर बॉडीज। दे लुक लाइक गोस्ट विद वेकेंट स्टेयर, दे लुक लाइक गोस्ट विद वेकेंट स्टेयर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वॉज एबल टू एंटर जुराकैमी ऑन फुट। ऑन फुट मीन कि कहते अगले दिन मैं पैदल मैंने जाने का फैसला किया। एंड ऑल डैट आई न्यू हैड डिसअपीयर्ड। कहते जो कुछ मुझे पता था कि यहाँ पर मौजूद था सब कुछ गायब हो चुका था। इट मीन्स जो बिल्डिंग्स थी, जो कुछ था, ऑल वर डिस्ट्रॉयड। ओनली द कंक्रीट एंड आयरन स्केल्टन्स ऑफ द बिल्डिंग्स रिमेंड। कि अब वहाँ पर बाकी क्या बचा हुआ था, जस्ट स्केल्टन्स ऑफ बिल्डिंग्स आर देयर। देयर वर डेड बॉडीज एवरीवेयर, अंडरलाइन दिस लाइन, देयर वर डेड बॉडीज एवरीवेयर। हर जगह पर डेड बॉडीज थी। ऑन ईच स्ट्रीट कॉर्नर वी हैड टब्स ऑफ वाटर यूज फॉर पुटिंग आउट फायर्स। कहते कि हर कॉर्नर पर टब्स ऑफ वाटर हमने रखे हुए थे कि आग को बुझाने के लिए। इन वन ऑफ दीज स्मॉल टब्स स्केयर्सली लार्ज इनफ फॉर वन पर्सन। कि एक टब जो कि बड़े मुश्किल से एक शख्स से भी उसमें नहीं आ सकता था, वाज़ी बॉडी ऑफ अ डेस्परेट मैन हु
whose salt cool water there was foam coming from his mouth, but he was not alive. उस टब में एक जो बर्न शख्स था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि पानी की तलाश में था. ओके जी, नेक्स्ट. आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ साउंड्स ऑफ क्राइंग वुमेन इन द डिस्ट्रॉयड फील्ड्स. कहते हैं कि मैं उन आवाज़ों को नहीं भूल सकता जो कि क्राइंग वुमेन की मैंने सुनी डिस्ट्रॉयड फील्ड्स में. एज आई गॉट नियरर टू स्कूल देर वर ब्लैक चेयर्ड बॉडीज. चेयर्ड मीन बर्न बॉडीज, जल कर स्याह हो जाना. कहते हैं कि जिसम जो थे जल कर स्याह हो चुके थे विद द वाइट एजिज ऑफ बोन्स शोइंग इन द आर्म्स एंड लेग्स. और आर्म्स एंड लेग्स में क्या स्किन ऊपर से जल चुकी हुई थी और हड्डियाँ जो थी उनके जो कोने वो निकले हुए थे. अ डेड हॉर्स विद अ ब्लॉटेड बैली. कहते हैं एक डेड हॉर्स था. ब्लॉटेड का मतलब क्या? स्वेल्ड. कि उसका जो बैली था स्वेल्ड हुआ हुआ था. बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के एक तरफ पड़ा हुआ था. ओनली द स्केलेटन ऑफ द मेडिकल हॉस्पिटल रिमेन स्टैंडिंग. कि जो मेडिकल हॉस्पिटल था उसका सिर्फ ढांचा रह गया था. बिकॉज द स्कूल बिल्डिंग वॉज वुड, इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. माई क्लासमेट्स वर इन दैट बिल्डिंग अटेंडिंग देयर फिजियोलॉजी लेक्चर. कहते मेरे जो क्लासमेट्स थे वो फिजियोलॉजी का लेक्चर ले रहे थे. वैन ए राइव सम वर स्टिल अलाइव, दे वर अनएबल टू मूव देयर बॉडीज. अंडरलाइन दिस लाइन. के दो उसके जो फेलोज थे दे वर अनएबल टू मूव देयर बॉडीज. द स्ट्रॉन्गेस्ट वर सो वीक डैट दे वर स्लम्प्ड ओवर ऑन दी ग्राउंड. कहते जो सबसे ताकतवर था वो इतना वीक हो चुका हुआ था कि वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था. आई टॉक विद दैम एंड दे थॉट डैट दे वुड बी ओके. कहते मैंने उनसे बातें की और उन्हें लगा कि वो ठीक हो जाएंगे. बट ऑल ऑफ दैम वुड इवेंचुअली डाई विद इन वीक्स. आई कैन नॉट फॉरगेट द वे देयर आईज लुक्ड एट मी एंड देयर वॉइसिस स्पोक टू मी फॉर एवर. राइटर अपने कमेंट्स कर रहे हैं. कहते मैं उन आँखों को नहीं भूल सकता, उन आवाज़ों को नहीं भूल सकता. आई वेंट अप टू द स्मॉल हिल बिहाइंड द मेडिकल स्कूल. कहते मेडिकल स्कूल के पीछे जो छोटी सी पहाड़ी थी मैं उसके पास गया. वी आर ऑल ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर लॉस्ट. इवन अब वो इसका जो अटोमिक अटैक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने डिस्कस किया ह्यूमन बींग से. फिर वो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, कहते जो माउंट्रीज थे उनके पत्ते भी ख़त्म हो चुके हुए थे. द ग्रीन माउंटेन्स हैड चेंज्ड टू अ बाल्ड माउंटेन. कि जो ऐसे वो माउंटेन जो कि सरसब्ज थी अब वो बंजर हो चुकी थी. देयर वर मैनी मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड सम पेशेंट्स हू एस्केप्ड फ्रॉम द स्कूल एंड हॉस्पिटल्स. दे वर वीक एंड वॉन्टेड वाटर बैडली, क्राइंग आउट गिव मी वाटर प्लीज. देयर क्लॉथ्स वर इन रैग्स, ब्लडी. कहते उनके कपड़े फटे हुए थे. ब्लडी मीन खून में भीगे हुए थे. वो थी इस पेज में. इसमें हमने क्या पढ़ा कि उसने जो राइटर ने डिस्ट्रक्शन देखी जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, उसको उसने एक्सप्लेन किया उसने वहाँ पे क्या देखा. कहते वुमेन वर क्राइंग इन द डिस्ट्रॉयड फील्ड्स. द ट्रीज बिहाइंड द राइटर स्कूल वर नो विदाउट लीव्स. कहते दरख्तों के पत्ते ख़त्म हो चुके हुए थे. द राइटर कैरियर सब ओके जी. कि दिस इज द राइटर हैज़ डिस्क्राइब्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटॉमिक अटैक. ओके जी. नो मूव टू योर लास्ट पेज ऑफ दिस आर्टिकल. देयर कंडीशन वॉज वेरी बैड. अपने दोस्तों के बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन बहुत बुरी थी. आई कैरी डॉन सेवरल फ्रेंड्स ऑफ माइन ऑन माई बैग फ्रॉम दिस हिल. कहते मैं अपनी बैग पर उन्हें लेकर आया. आई ब्रॉट देम टू देयर हाउसेज यूजिंग अ कार्ट हिच टू माई बाईसाइकिल. ऑल ऑफ देम डाइड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सम फ्रेंड डाइड विद हाई फीवर. कहते कुछ हाई फीवर से जिनकी डेथ टॉकिंग डिलेरियसली मैडली. सम फ्रेंड्स कंप्लेंट ऑफ जनरल मलेस. कहते कुछ को ये डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हैं कॉज्ड बाय नेक्रोसिस ऑफ द बाउल म्यूकोस मेम्ब्रेन बाय सीवियर रेडिएशन. कहते रेडिएशन की वजह से उन लोगों किसी को डायरिया हुआ. इस तरह के मुख्तलिफ जो मलेज है. मलेज मीन जनरल फीलिंग ऑफ सिकनेस, बेचैनी की कैफियत. कहते मुख्तलिफ उन्हें डिजीज हुई एंड दे डाइड. वन ऑफ माई जॉब वॉज टू कॉन्टेक्ट द फैमिलीज ऑफ द सर्वाइवर. कहते अब मैं उसके बाद मेरी जॉब क्या मुझे क्या करना पड़ा. कहते ही हैज़ टू कॉन्टेक्ट द फैमिलीज ऑफ द सर्वाइवर. जो लोग बच गए उनकी फैमिलीज से मैंने कॉन्टेक्ट किया. इन ऑल पब्लिक स्कूल आई विजिटेड देयर वर मैनी मैनी सर्वाइवर्स. कहते सारे पब्लिक स्कूल्स में मैं गया. देयर वर मैनी मैनी सर्वाइवर्स ब्रॉट देयर बाई द हेल्दी पीपल. कहते वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो बच गए थे जिनको हेल्दी लोग लेकर आए हुए थे. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब दी हॉरर्स आई सॉ. कहते बहुत नामुमकिन है. राइटर अब क्या कहना चाह रहे. कहते कि ही कैन नॉट डिस्क्राइब दी हॉरर्स एंड डिस्ट्रक्शन डैट ही ऑब्जर्व इन दी एटॉमिक अटैक. आई हर्ड मैनी वॉइस इन पेन क्राइंग आउट एंड देयर वॉज अ टेरिबल स्टेंच. टेरिबल स्टेंच मीन स्मेल.
I remember it as an inferno. Inferno means hell. All of these people also died within several weeks. कहते हैं सारे लोग अगले चंद हफ्तों में वो मर गए. One of my friends who was living in the same lodging, lodging means same residence जिसमें writer रह रहा था, cycled back from medical school by himself that day. कहते हैं उस दिन वो खुद वापस आया. He was a strong man doing judo. Judo का player था. That night he gradually became, कहते उस रात वो gradually मीन ऐसा ऐसा weak हो गया. But he went back to his home in the country by himself. अगले दिन वो खुद वापस गया. I heard he died a few weeks later. कहते मैंने सुना उसकी भी डेथ होगी. It means to say कि कुछ लोगों ने साइकोलॉजिकली स्ट्रेस था एटॉमिक अटैक की वजह से, कि कुछ लोग तो एटॉमिक अटैक में मर गए, कुछ जिन्होंने उसके हॉरर को देखा हुआ था, कुछ दिनों के बाद उनकी भी डेथ हो गई. आई लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स, सो मैनी पीपल डाइड दैट डिस्पोजिंग ऑफ द बॉडीज वॉज डिफ़िकल्ट. कहते उसके बाद क्या, वो इतने लोगों की डेथ हुई थी कि बॉडीज़ को डिस्पोज करना बहुत बड़ा मसला हो गया. वी बर्न द बॉडीज ऑफ माई फ्रेंड्स इन अ पाइल ऑफ फूड विच वी गैदर्ड इन अ स्मॉल ओपन प्लेस. कहते मैंने उन सबको हमने जलाया. एंड आई क्लियरली रिमेंबर द मूवमेंट ऑफ द बाउल्स. बाउल्स मीन जो नर्व्स थी. कहते मुझे मुकम्मल तौर पर याद थी कि फायर में जो बाउल्स थी उनकी मूवमेंट्स मुझे याद हैं. अब लास्ट में वो कंक्लूड कर रहा है इस एसे को, और आल्सो गिव्स अस अ लेसन, आल्सो गिव्स अस अ सजेशन. ऑन अगस्त 15, 1945, कहते हैं 9 अगस्त को हुआ, वहाँ पे वो वीक रहा. आई लेफ्ट नागासाकी बाय ट्रेन टू रिटर्न टू माय होम इन द कंट्री. देर वर मैनी सर्वाइवर्स इन द सेम. कहते उस गाड़ी में बहुत सारे बच जाने वाले लोग भी थे. इवन नो आई थिंक ऑफ द ग्रीफ ऑफ द पेरेंट्स ऑफ माय फ्रेंड्स हु डाइड. आई कैन नॉट कैप्चर द मैग्नीट्यूड. कहते आई कैन नॉट एक्सप्लेन द साइज ऑफ द मिजरी एंड हॉरर आई सॉ. नेवर अगेन शुड दीज टेरिबल न्यूक्लियर वेपन्स बी यूज, नो मैटर वट हैपन्स. राइटर एंड पे क्या कह रहा है, कुछ भी हो जे, नेवर यूज दीज न्यूक्लियर वेपन्स. ओनली वेन मैन कैन रिनाउंस द यूज ऑफ दीज न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ ऑल द सोल्स ऑफ माई फ्रेंड्स रेस्ट इन पीस. कि अगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनका इस्तेमाल ख़त्म करेंगे, रोकेंगे, तो देन द सोल्स ऑफ हिज फ्रेंड्स मे रेस्ट इन पीस. ओके जी, होपफुली फोर्थ ईयर आप लोगों को ऐसे की समझ आ गई होगी. ठीक है, ऐसे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ लाइंस मैंने अंडरलाइन आप लोगों को करवाई हैं. उन लाइंस को आप लोगों ने ज़रा अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है. इसको इसके जो क्वेश्चंस हैं, कल हम इसके आपकी बुक पे क्वेश्चंस हैं इसके, मेरे ख्याल से वी हैव 2 or 3 क्वेश्चंस. ओके, वी हैव 2 क्वेश्चंस. ठीक है, कल हम वो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आज आपको क्वेश्चन मैं नहीं दूंगी, कल आपको दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. फिर परसों आपको एक ऑफ करूंगी, आपका लेक्चर आपको डिलीवर नहीं करूंगी. आज आप लोगों ने क्या करना है, आज आप लोगों ने इस ऐसे को दोबारा से रीड करना है, और इसके जो लाइंस जो अंडरलाइन की हैं उनको आप लोगों ने लर्न करना है. इसकी 2-3 दफ़ा आप लोगों ने रीडिंग करनी है, ताकि आप लोगों को ज़रा डिटेल्स इसकी समझ आ जाए. तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, और जो इडियम्स हैं आप लोगों को आज फिर से मुझे उनको उनकी पिक जो है बेटा इडियम्स की बनानी याद नहीं रह रही. ठीक है जी, हम लोगों ने कहाँ तक ईडियम्स कर लिए थे. यस, हम लोगों ने कर लिए थे 90 तक हमारे हो गए हैं, 81 से 90 तक. आगे चलो मैं वैसे बोल देती हूँ कि 91 पे है डैगर्स ड्रॉन दुश्मनी पाकिस्तान इन इंडिया और डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर एट अ स्ट्रेच. एक ही बार में कैन यू वर्क फॉर 6 hours एट अ स्ट्रेच. एट वंस बैक एंड कॉल है एट द 11th और आखिरी वक्त पर. एट क्रॉस पर्पजेज एट अ स्नेल्स पेस. At an arm's length दूर. At one's fingers end. Okay जी, at one's fingers end का मीनिंग क्या है, फर फर याद होना. All the names of the cities are at his fingers end. 99 पर है at 6s and 7s मुंतशिर हालत में. Nowadays the nation is at 6s and 7s. 100 पर है at the end of one's tether बर्दाश्त और सब्र की आखिरी हद. When he lost the match, he was at the end of his tether. कि वो उसका सब्र का पैमाना भर चुका था. At the loose end, बेकार. 101 पे भी, क्योंकि कल हम नेक्स्ट आगे बी वाले स्टार्ट कर लेंगे. After his failure in the business, he is at the loose end. के वो नाकामी के बाद वो बेकार है. ओके जी, फोर्थ ईयर आज का आपको लेसन थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. आज आप लोगों ने
रीडिंग करनी है इसकी नागासाकी की, जो आपका आर्टिकल नंबर 5 है, इसकी रीडिंग दोबारा से करनी है, और साथ आप लोगों ने इडियम्स करने हैं 91 to 101 तक। ओके जी, ये आप लोगों लर्न करने हैं, एंड ओके जी, अल्लाह हाफिज़।